नमस्कार दोस्तों, आप सबको मालूम है कि हमने देश में अभी कोरोना से लड़ने के लिए पीपी किट की घोर संकट है। और मैंने जो एक इनोवेटिव पीपी किट बनाया है, उसकी अच्छी चीज़ ये है कि वो कॉस्ट में बहुत ही कम पड़ रहा है। हमने तो पहले ये मुझे लगा था कि वो 100 रुपये में बन जाएगा, लेकिन अभी पूरा कॉस्टिंग करके देख रहे हैं हम लोग, तो मिनिमम उसका कॉस्टिंग फैक्टर आ रहा है 500 रुपया। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ों को हम बिल्कुल प्रोपेगेट करें और पूरे देश में इस चीज़ों को अवेलेबल करें। हमने मैन्युफैक्चर भी अभी ढूंढ लिया है और हमको अभी यूपी गवर्नमेंट से 1 लाख ऐसा किट बनाने का ऑर्डर भी मिला हुआ है, जिस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। दिल्ली में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बात करके और उसको बनवा रहे हैं। मैंने मेरे दिमाग में किट बनाने की बात आज से 7 दिन पहले आया, जब हमारा CS साहब से, सिविल सर्जन सर और DM साहब के साथ मीटिंग था, और वहाँ पे पता चला कि पीपी किट की बहुत ही कमी है, पूरे देश में कमी है। जब हमने रिसर्च करने गया तो बहुत सारा दिक्कत लगा कि एक तो गॉगल्स चाहिए, गॉगल्स अपने यहाँ एक बनाने का लिमिटेशंस है, रॉ मटेरियल्स का दिक्कत है, जो उसके लिए कपड़ा चाहिए। मैंने पूरा रिसर्च करके एक अपना इनोवेटिव की पीपी किट बनाया, जिसमें कॉस्ट बहुत ही कम हो गया। अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट जो है, जो नॉर्मली मार्केट में जो पीपी किट मिल रहा है वो 1,500-2,000 का मिल रहा है, और वो भी मिल नहीं रहा है, और हम लोग इसको कॉस्ट को 500 रुपये में लेके आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है जो आज के समय में कोरोना से फाइट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने ये पूरा चीज़ सोचा कि ये इनोवेशन क्यों किया जाए, इसके लिए दिमाग में इसीलिए आया कि अभी कोरोना अगर सचमुच हमारे देश में फैल जाता है तो आप सबको मालूम है कि हमारे देश की हेल्थ सिस्टम की क्या व्यवस्था है। अगर फैलता है तो ये महामारी विश्व के किसी भी देश, चाइना, इटली, किसी से भी बहुत बड़ा रूप ले सकती है। और यहाँ पे डॉक्टरों को, और जो केवल डॉक्टर ही नहीं है, जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, जिसमें डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, यहाँ तक कि पुलिस वाले, जो एसेंशियल फूड सप्लाई करने वाले लोग हैं, दूध सप्लाई करने वाले, सब्जी सप्लाई करने वाले, पत्रकार बंधु, सबको लिए ये पीपी किट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसको किस तरह से हम लोग मास मैन्युफैक्चर करें ताकि हम देश सेवा के लिए करें, और इस काम में हम बिल्कुल जुट गए उसके बाद से, क्योंकि मुझे लगा कि देश सेवा का मौका बार बार नहीं मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी है मुझे मिला हुआ है, और मैंने इस पे वर्क किया और भगवान की मदद से मुझे इसमें सफलता भी मिल रही है। शुरू शुरू में तो थोड़ा लगा कि क्या मालूम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन बाद में यूपी गवर्नमेंट ने भी मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने 1 लाख ऐसा किट बनाने के लिए, मेरे मॉडल को अप्रूव करते हुए 1 लाख किट बनाने का ऑर्डर दिया। अभी तो पूरे देश से मुझे ये चीज़ करने के लिए लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, और लोग बोल रहे हैं कि यहाँ तक कि खरीदने के लिए भी रेडी है कि आप हमको 1,000 में दे दीजिए, 1,500 में दे दीजिए, लेकिन हम देश सेवा को, हम अपने पूरे इनोवेशन को देश सेवा को देना चाहते हैं। हम इससे कोई प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश को इस कोरोना के संकट में किस तरह से हम अपने देश को बचाएं, और किस तरह से हमारे देश, हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे जो लोग घर में बैठे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग मरीज के साथ हैं, जो लोग रोड पे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, हम उनको कैसे सुरक्षित रखें? क्योंकि अगर ये सुरक्षा की कवच हम उनको नहीं प्रदान करेंगे तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि हम घर में भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। और मुझे लगा कि ये देश की सेवा करने के लिए अपने इतना दिन की परिश्रम, मेहनत और अपने पढ़ाई का यूज़ आज देश को के लिए करने का मौका मिला है, तो मैंने इसमें लग गया और मुझे सफलता भी मिल रही है, और आप लोग का और भी आगे सहयोग रहेगा कि ताकि हम इसको और आगे लेवल पर ले जाएं। मेरा उद्देश्य केवल देश सेवा है, देश की सेवा करके किसी तरह से हम अपने इकोनॉमी को, हम अपने देश के लोगों को इस कोरोना के संकट से बचाना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप वो हमारे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अधिकतर लोग इससे, हमारे इस मुहिम से जुड़े और एक अच्छाई की चेन आगे बढ़े। धन्यवाद।